नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि हमारी रे कितना बेंड करेगी. जब भी हमारी रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदलती है. हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है. रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब रे या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी. ये तभी होता है जब हमारी रे ऑब्लिकली फॉल करती है, मतलब एक एंगल पर फॉल कर रही है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या हमारा क्या फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का. तो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रिफ्रैक्शन होती क्यों है. रिफ्रैक्शन तभी होती है जब हमारी रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है और दूसरे मीडियम में जाने से क्या होता है, उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं. मतलब कि जब भी रे हमारी वैक्यूम में चल रही है तो हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. इस स्पीड से हमारी लाइट वैक्यूम में चल रही है. लेकिन जब हमारी ये लाइट किसी और मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी और मीडियम में जाती है तो उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं उनके साथ ये कोलाइड करेगी. कोलिजन की वजह से कुछ एब्जॉर्प्शन भी होगी, कुछ एमिट करेगी रेज, कुछ ये डाइवर्ट होंगी, तो इससे ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं. तो अब जब ये रास्ता चेंज करेंगी तो डेफिनेटली इनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी. तो जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया है एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. सपोज हम किसी भी मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा. हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम जनरली सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम को हम वी बोल सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा सिंपल होता है ईटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम. दैट अब हमें देख के ये पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रेशियो है, पहली बात. और दूसरी बात क्या है कि ये रेशियो हमारी दो ऐसी क्वांटिटीज की है जो कि सेम है, जैसे दोनों स्पीड है, ऊपर भी हमने स्पीड ली है और नीचे भी स्पीड ली है. ऐसी सिचुएशन में क्योंकि दोनों सेम यूनिट्स है, स्पीड के यूनिट्स हमारे होते हैं मीटर्स पर सेकेंड, तो न्यूमिनेटर में भी मीटर्स पर सेकेंड और डिनोमिनेटर में भी मीटर्स पर सेकेंड है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट्स नहीं होते, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसके कोई यूनिट्स नहीं है. जब भी हम वैल्यू लिखेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ही लिखेंगे इसकी. और सेकेंडली जो पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए वो ये है कि जब भी कोई रे किसी भी मीडियम में आएगी उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कम हो जाएगी. मतलब जैसे वैक्यूम में उसकी स्पीड थी 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, तो जैसे ही वो किसी और मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड इससे कम हो जाएगी. अब इससे हम कह सकते हैं कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा हमारा छोटा होगा एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर. तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और एयर इज अप्रॉक्सीमेटली क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ वैक्यूम. मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज क्वाइट सेम एज दैट इन वैक्यूम. तो जब हम ऐसी सिचुएशन में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालेंगे तो इट विल बी क्वाइट क्लोजर टू 1. तो हम उसको जनरली 1 भी ले लेते हैं. और बाकी अलग अलग मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, क्योंकि जब भी किसी मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड चेंज होगी. स्पीड चेंज होने से उसका जो है वैक्यूम के साथ उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में थी वो डिफरेंट थी और उस मीडियम में अलग है, उनकी रेशियो डेफिनेटली 1 से अलग आएगी, 1 से ज़्यादा ही आएगी. तो दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. तो जब भी इसका मतलब हम एक पॉइंट हमारे माइंड में और भी आएगा कि जब भी कभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कह रहे कि कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है. जब हम किसी एक मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोलेंगे, हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1 है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है या ग्लास का कुछ और है, हमने वैल्यू बोले, दैट मीन्स ऐसे सिचुएशन में हम उसको उस मटेरियल को किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम.
नाउ लेट अस अप्लाई द कॉन्सेप्ट फर्दर. अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं. अभी हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, इटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पे सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट थी वैक्यूम में और वी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन अ पर्टिकुलर मीडियम. अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसमें हमें दिया क्या गया है, रे ऑफ लाइट एंटर्स डायमंड फ्रॉम एयर, मतलब रे हमारी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है, रे हमारी एयर से डायमंड में जा रही है. नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें रीटा दिया हुआ है 2.42, और हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर हमें पता है 3×10⁻¹ मीटर्स पर सेकेंड. बट हमें इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है वैल्यू की, क्योंकि उन्होंने हमारे से जो वैल्यू पूछी है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. मतलब वो हमारे से पूछ क्या रहे हैं, बाय व्हाट परसेंटेज डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस ऑन एंटरिंग, मतलब अब कितनी स्पीड पहले थी उसकी अब कितनी परसेंटेज हमारी रह जाएगी. दैट मीन्स जो स्पीड हमसे पूछी जा रही है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो हमें ये वैल्यू 3×10⁻¹ मीटर्स पर सेकेंड की ज़रूरत नहीं है. अब हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2.42 is equal to C upon V, और we can see V is equal to C upon 2.42. जब भी कभी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, पहला स्टेप हमारा क्या बनता है कि हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है. जैसे इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता थी. उस सेकेंड स्टेप हमारा ये आता है कि हम इसके हम देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है. अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो नीटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाता है वैल्यूज पुट करने का. हमने वैल्यूज पुट की, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. स्पीड क्या आ रही है, वी इज इक्वल टू सी अपॉन 2.42. अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इट विल बी इक्वल टू 0.41 c. दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में है दैट इज 0.41 ऑफ c, और हम कह सकते हैं कि इट हैज रिड्यूस्ड बाय 41%. अब हमें पता चल गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 41% लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. मतलब जो हमारा v निकल के आ रहा है, v इज 41% ऑफ c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 41% लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इज 41% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अब 41% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन पूछा क्या गया है, इट इज हाउ मच इट हैज़ रिड्यूस्ड बाय, मतलब कितनी कम हुई है. तो दैट मीन्स अगर टोटल हमारा 100% होता है, 100 में से 41% तो रह गई है. दैट मीन्स 100 माइनस 41 इज इक्वल टू अराउंड 59%. तो वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हैज़ रिड्यूस्ड बाय 59% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाता कि कितनी रह गई है तो 41% थी. अब उन्होंने हमारे से पूछा कितनी, हाउ मच इट हैज़ रिड्यूस्ड, तो कितनी रिड्यूस हुई है, तो इसका मतलब टोटल हमारा 100% था, उसमें से 41% रह गई है, तो कितनी कम हुई है, 100 माइनस 41 हमारे पास निकल के आया 59%. सो वी कैन से इट हैज़ रिड्यूस्ड बाय 59%. लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट. अब हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन देते हैं, या कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की, वो हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिससे हमने की स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम कैलकुलेट की. अब हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ अभी तक हमने डिस्कस की दैट वाज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसमें हमारे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एंड इट वाज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, या हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक पेयर का है, मतलब एक दो मीडियम्स का जो पेयर है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है. अगर रे हमारी मीडियम वन से मीडियम टू में आ रही है तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन. तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
वन, मतलब मीडियम वन और मीडियम टू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम टू का है उसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनती है, इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन क्या होगा, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इट वॉज दिस रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो अब सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, तो इसको, और ये हमारा क्या बना, स्पीड अपॉन सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये हमारा बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, सी अपॉन वी टू। अब नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है ऊपर आ रही है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे सो इट विल बी वी वन अपॉन सी। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वी वन अपॉन वी टू। सो वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज वी वन अपॉन वी टू। एक डेफिनेशन हमारे पास थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। एक डेफिनेशन हमारे पास ये है जिसको कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। नाउ लेट अस अप्लाई द कॉन्सेप्ट फर्दर। अब हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, वी आर सपोज टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। और हमें दिया क्या गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जो मीडियम हमारा 2 है, क्योंकि हमें ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जो मीडियम 2 है वो हमारा ग्लास है और जो मीडियम 1 है वो हमारा हमारा वाटर है। मीडियम 1 हमारा वाटर आ जाएगा और मीडियम 2 हमारे पास ग्लास है। That mean, और हमें दिया क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें कितना दिया है, हमें वाटर ग्लास और वाटर का दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर का हमारा है 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दिया गया 3/2। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा क्या है, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, 4/3। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जब ये हमारी इस तरह की फ्रैक्शन होती है तो हम जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको हम न्यूमिनेटर में लाते हैं, तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, सो वी विल गेट 3/2 इंटू 3/4, सो इट विल बी 3 × 3 इज 9 and 8, सो वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने क्या किया है, हमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, ग्लास का एंड वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमारा पहला मीडियम क्या है, वाटर, क्योंकि वाटर का से एयर में, वाटर से हम ग्लास में जा रहे हैं क्योंकि हमें निकालना किसका है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फर्स्ट मीडियम हमारा बन जाएगा वाटर और जो सेकेंड मीडियम है वो हमारा ग्लास बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ था 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ था 3/2। तो हमें निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, 3/2 दिया हुआ है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 दिया हुआ है, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 9/8। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Now let us further apply the concept. If we are given that refractive index of 2 with respect to 1, हमें refractive index दिए हुए हैं तीन mediums के, जैसे हमें दिया हुआ है refractive index of 2 with respect to 1 is and refractive index of medium 3 with respect to 2 and refractive index of 1 with respect to 3. और हमें क्या prove करना है कि दो तीनों को अगर हम multiply करेंगे तो we will get 1. If neta 1 2 1 is the refractive index of medium 2 with respect to 1 and neta 3 2 is the refractive index of medium 3 with respect to 2 and neta 1 3 is the refractive index of medium 1 with respect to 3. हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1. अब हमें क्या पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम कैसे लिख सकते हैं. अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ले, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसी तरह से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3. अब तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, हमने तीनों को लिखा है, इनको अब हम अप्लाई करते हैं. हम इस फॉर्मूला में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया इसमें हम वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, ये किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू नीटा 2 अपॉन नीटा 1 इंटू नीटा 3 अपॉन नीटा 2 इंटू नीटा 1 अपॉन नीटा 3. अब मैं देख रही हूँ ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो गया, ये डिनोमिनेटर में 3 एंड दिस इज ऑल्सो न्यूमरेटर, ये भी कैंसिल आउट हो गया. इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है तो ये भी कैंसिल हो गए, सभी आपस में कैंसिल आउट हो गए, सो वी विल गेट 1. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड देन वी हैव बीन गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड वी हैव बीन गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 1. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि उसको किस तरह से फॉर्मूला को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. देन वी डिस्कस समथिंग अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ रिलेशन लिए जिनको हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश की.